पुलिस अधीक्षक महाराज जिनके निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के अंतर्गत थाना सोनौली पुलिस व अन्य जनपदीय पुलिस की संयुक्त टीम चार अभियुक्तों को एक लग्जरी वाहन में 85 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं आपको विस्तार से। बाबूलाल गुप्ता उद्घोष समय की रिपोर्ट में। अभियान के अधीन अपर पुलिस अधीक्षक सीओ फरिंदा सीओ नतनुआ के पर्यवेक्षण में एक टीम को लगाया गया था एनडीपीएस की रिकवरी के लिए। इसमें एक काफी बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी जिसमें 85 किलो के आसपास चरस पुलिस द्वारा बरामद किया गया। इसमें कुल चार अभियुक्तों को एक लग्जरी गाड़ी के साथ पकड़ा गया है और इस पूरी कार्रवाई में जो हमारे आज से दो दिन पहले चरस के 88 किलो की बरामद की हुई थी उसकी बैक ट्रेसिंग के माध्यम से ये पूरा का पूरा नेक्सस निकल कर आया है। अभी तक इसमें चरस के सप्लाई करने वाले कुल तीन लेयर चरस एक्वायर करते हैं और यहाँ सप्लाई करते हैं और बाहर से जो लेने आते हैं इन तीनों को पकड़ के इस पूरे मामले में भेजा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये जो 85 किलो चरस मिली है इसका मूल्य अनुमानित लगभग 49 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है और पूर्व में जो रिकवरी हुई थी हमारी 88 किलोग्राम की उसकी अनुमानित मूल्य लगभग 50 करोड़ के आसपास बताया। सर इतनी बड़ी खेप कहाँ से आ रही है, कहाँ को जानी थी, कौन कौन से लोग संलिप्त हैं? देखिए जिनकी संलिप्तता हमारे जनपद में जनपद के बाहर पाई गई थी उन सभी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और अभी गहन विवेचना के माध्यम से चीज़ें निकल कर आएंगे कि कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी। मगर अभी तक की प्रारंभिक जांच के अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से इधर आने की बात निकल के आई और इसमें और गहन जांच के माध्यम से बाकी चीज़ें निकल।